हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टैटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ऑस्कर अवार्ड, मैन बुकर अवार्ड, नोबल अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड और जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं उन सभी के बारे में। इनकी स्थापना कब हुई और ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है दोस्तों। ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्रुप डी की हो, दिल्ली पुलिस की हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम की हो, चाहे वो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, स्टेट के कोई एग्जाम हो, जिस जगह भी स्टेट जीके पूछा जाता है उस जगह हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बहुत शॉर्ट तरीके से बनाया गया है ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप ये वीडियो देखें और आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे यहाँ से आपकी सॉल्व बन जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सब बात करते हैं इन अवार्ड्स के बारे में। सबसे बात पहले बात करते हैं ऑस्कर अवार्ड की। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और यह है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा अवार्ड मैन बुकर अवार्ड, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं नोबेल अवार्ड की, तो 1901 में इसकी स्थापना हुई थी और यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें रसायन, फिजिक्स, मैथ्स ये सभी क्षेत्र आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है इन क्षेत्रों का। और ऑस्कर को फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाता है। वहीं साहित्य की दुनिया का मैन बुकर अवार्ड कहा जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है। बात करते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये सरकारी जन सेवाओं में जो क्षेत्र जो लोग काम करते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। बात करें ग्रैमी अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1959 में हुई थी और संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। मिस वर्ल्ड अवार्ड की स्थापना 1951 में हुई थी और यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए दिया जाता है। मिस यूनिवर्स अवार्ड 1952 में स्थापना की गई थी, ये भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये ट्रिक ऐसे याद कर सकते हैं आप कि मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ और इसके बाद मिस यूनिवर्स 1952 में शुरू हुआ। भारत रत्न तो आप जानते ही होंगे, इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और यह असाधारण उपलब्धि के लिए भारत के व्यक्तियों को दिया जाता है। भारत के नहीं बल्कि दुनिया के और भी व्यक्तियों को दिया जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला हुए, इन्हें भी यह अवार्ड मिल चुका है। बात करते हैं कलिंग अवार्ड की, तो 1952 में कलिंग अवार्ड की स्थापना हुई थी और यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना 1965 में की गई थी और यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें 24 भाषाओं के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। यानी साहित्य में जो लिखते हैं उनको ये 24 भाषाएं दी जाती हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई भाषाएं हैं उनके लिए यह साहित्य अवार्ड दिया जाता है। बात करें अर्जुन अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी, स्पोर्ट्स यानी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना 1950 में हुई थी और ये खेल प्रशिक्षकों यानी जो उनके कोच होते हैं उनके लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के की स्थापना 1969 में हुई थी और सिनेमा का अवार्ड है और ये भारत का बेस्ट अवार्ड कहा जाता है। भटनागर अवार्ड की जो स्थापना हुआ 1957 में हुई थी और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। वहीं पुलित्जर अवार्ड 1917 में इसकी स्थापना की गई थी और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इसे पत्रकारिता का नोबेल या ऑस्कर कहा जाता है। ध्यानचंद या राजीव गांधी अवार्ड की स्थापना 1991 में हुई थी और ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों पहले इसका नाम राजीव गांधी अवार्ड था, अब नाम बदलकर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकेडमी अवार्ड, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है। जो भी व्यक्ति 5 साल में जो बेस्ट अंग्रेजी रचना होती है उसके लिए दिया जाता है। सरस्वती व्यास बिहारी सम्मान, ये सभी सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं और इनकी स्थापना 1991 में हुई थी और ये 22 भाषाओं हेतु दिए जाते हैं। मिस इंडिया की स्थापना 1994 में हुई थी, सौंदर्य और बुद्धि के लिए यह महिलाओं के लिए दिया जाता है मिस इंडिया अवार्ड। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, इन तीनों अवार्ड की स्थापना 1952 में हुई थी और ये सर्वोच्च वीरता के अवार्ड कहे जाते हैं भारत के। और ये जो भी हमारे आर्मी पर्सन होते हैं या फिर जो नेवी के पर्सन होते हैं उन सभी के लिए दिया जाता है। बात करते हैं अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की, तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और यह सामाजिक परिवर्तन और दलित उद्धार हेतु ये अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है, आपको याद रखना है, 1999 में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना की गई थी। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। वाद्य और गायन हेतु यह क्षेत्र, इसके क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। ललित कला अकेडमी की शुरुआत
यह जो अवार्ड है इसकी 1955 में स्थापना की गई थी। मूर्तिकला और चित्रकारी के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, तो आपको याद रखना है, जैसे इसके नाम से समझ में आ रहा होगा आपको, ललित कला अवार्ड, तो ये मूर्तिकला और चित्रकारी के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड की स्थापना 1994 में हुई थी, 84 में हुई थी, और ये भारतीय सिनेमा के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो मैंने आपको अभी पहले बताया दादा साहब फाल्के अवार्ड, वह फिल्मों के लिए दिया जाता है और ये भी फिल्मों के लिए दिया जाता है, लेकिन ये पर्टिकुलर एक इंसान के लिए दिया जाता है। लेकिन वो जो दादा साहब फाल्के अवार्ड है वह फिल्मों के लिए, फिल्मों की जो भी कैटेगरी होती है उनके लिए दिया जाता है। फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना 1954 में हुई थी और यह टाइम्स ग्रुप के द्वारा दिया जाता है और फिल्मों के लिए अवार्ड दिया जाता है। महात्मा गांधी शांति अवार्ड 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और इनकी स्थापना 125वीं जयंती जब महात्मा गांधी जी की थी उसी दिन से इनकी शुरुआत हुई थी और पीएम नरसिम्हा राव के द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी और ये शांति के लिए अवार्ड दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 1958 में इसकी स्थापना हुई, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का ये बेस्ट अवार्ड है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। आर डी बिरला विज्ञान अवार्ड 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड मैंने आपको बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखना है, यहाँ से आपकी स्थापना और क्षेत्र के बारे में पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में। बात करें सी के नायडू अवार्ड की तो 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, BCCI के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। होमी जहांगीर भाभा अवार्ड 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ये परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। विक्रम साराभाई अवार्ड की स्थापना 1990 में हुई थी, अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है। बात करें जवाहरलाल नेहरू सद्भाव अवार्ड की तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय समभाव या सद्भावना मैत्री बढ़ाने हेतु यह अवार्ड दिया जाता है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास अवार्ड की स्थापना 1986 में हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और मैत्री बढ़ाने हेतु दिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति अवार्ड है। सीमन बॉलीवर यूनेस्को द्वारा 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और स्वतंत्रता मुक्ति सम्मान हेतु यह अवार्ड दिया जाता है। दोस्तों ये अवार्ड यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है जिसका नाम सीमन बॉलीवर है। फेलिक्स हॉफेंट बोरेगियन अवार्ड नोबेल यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए दिया जाता है। वहीं बात करें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तो इसकी स्थापना 1943 में हुई थी और यह फिल्मों के लिए दिया जाता है। दोस्तों ये फिल्मों का ऑस्कर कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, यह इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की है इतने सारे अवार्ड्स के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।